तो फिर गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं शुरू करने लगा ब्रांड न्यू माइनक्राफ्ट हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज। एंड जैसा कि तुमको पता होगा कि मैंने 3 बार पहले माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल सीरीज शुरू कर दिया था, लेकिन वो तीनों ही नहीं चला क्योंकि वो मेरा तीनों वॉल ही डिलीट हो गया। लेकिन मैं इस बार शुरू करने वाला माइनक्राफ्ट का हार्डकोर वर्ल्ड और मैं इसे काफी ज्यादा चलाऊंगा भी। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्या कर रहे हो तुम लोग अभी भी। तो फिर यार जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर मैं वर्ल्ड का नाम रखने वाला हूँ हार्डकोर वर्ल्ड। मेरे क्यों रख रहा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो यही रखूंगा। तो फिर मैंने वर्ल्ड का नाम तो रख दिया, अब मैं जल्दी से वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूँ। 2000 years later लिटरली गाइस यार मैं 2 से 3 मिनट तक वेट कर चुका हूँ, लेकिन मेरा वर्ल्ड अभी तक भी लोड नहीं हुआ। तो फिर लिटरली फाइनली जाकर मेरा वर्ल्ड लोडिंग होने वाला है और मैं वर्ल्ड के अंदर भी आ गया। और पास ही में मुझे एक पेड़ दिख रहा है और उसके पीछे विलेज और यहाँ पर तो ओशन है। भाई साहब क्या ही ओपीसी डे। तो फिर आज फाइनली यार किसी वर्ल्ड के अंदर मेरे साथ मेरी फूटी किस्मत तो नहीं आई। तो फिर मैं काम कर लेता हूँ, मैं जल्दी से माइनक्राफ्ट की परंपरा को निभाता हूँ, यानी कि वुड तोड़ना, चाहे ड्रीम हो या फिर चाहे टेक्नोब्लेड। वैसे टेक्नोब्लेड अब दुनिया में नहीं रहा, लेकिन चाहे जो भी हो सबको वुड तो तोड़ना पड़ता ही है। तो फिर मैं भी जल्दी से तोड़ लेता हूँ। इसके बाद मैं अपने लिए कुछ हथियार वगैरह बनाता हूँ, फिर मैं विलेज लूट करने के लिए जाता हूँ। मुझे लगता है कि 4 वुड काफ़ी है अभी मेरे लिए। तो फिर मैं जल्दी से ऐसे मेरे लिए प्लैंक बनाता हूँ और मैं स्टिक बनाकर एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। और मैं सबसे पहले तो एक्स बनाकर और थोड़ी वुड तोड़ लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक पिकेक्स वगैरह भी बना लेता हूँ। वुड तोड़ना नहीं होता आसान, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, काम काम काम, थक जाता हूँ दिन भर काम करके मैं, लेकिन ना था कोई कोई तो मदद कर दे, ना था कोई। तो फिर गाइस मैंने काफ़ी ज़्यादा वुड तोड़ लिया और अब मैं पिकेक्स बनाता हूँ और मैं फिजिक्स को लूट करने के लिए जाता हूँ। तो फिर सबसे पहले मुझे ये वाला घर दिख रहा है, तो फिर सबसे पहले मैं ये वाले घर में देखूंगा क्या है। इस घर में तो कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं यहाँ से बेड लेकर जाता हूँ और अब मैं दूसरे वाले घर में जाकर देखूंगा कि मुझे वहाँ पर क्या क्या मिलेगा। तो फिर चलो एक बार मैं इस घंटे को बजाकर विलेजर को परेशान करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। और मैं इस बार लोहाती इंसान को नहीं मारूंगा, यानी कि मैं आयरन गोलम को नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे इस विलेज से विलेजर चाहिए और ये आयरन गोलम विलेजर की रक्षा करते हैं। तो फिर मैं इसका पाँव छोड़ लिया अभी अभी। तो फिर चलो यार अभी मैं वो साइड जाके देखता हूँ और ये वाले घर में तो हमें कुछ भी नहीं मिलता और यहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ का घर है। तो फिर चलो जल्दी से इसे मैं लूटता हूँ और वेट, वहाँ पर और एक ब्लैक स्मिथ का घर है। मतलब अभी तो मैं माला माल हो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यार घर लूट लेता हूँ, शायद मुझे यहाँ पर डायमंड मिल जाए। और शायद मुझे यहाँ पर डायमंड नहीं मिला, लेकिन मुझे यहाँ पर 3 आयरन मिल गया और यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन भी है। तो फिर मैं सारा टेस्ट छोड़ लेता हूँ एक ही बार में। तो फिर मैंने सारा सामान लूट लिया एंड सुन विलेजर, ब्रेड खाएगा? नहीं खाना तो ना बोल दे, चिल्लाने की क्या जरूरत है। वैसे अभी मैं इस विलेजर का हर लूट लेता हूँ, उससे पहले मैं फर्नेस ले लेता हूँ, बाद में मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। एंड मैं पिछले वाले घर से भी जाकर फर्नेस उठा लेता हूँ जल्दी से। तो फिर गाइस यार मैंने सारा फर्नेस तोड़ लिया, अब मैं चेस्ट में देखता हूँ कि मुझे क्या क्या मिलेगा। काश यार मुझे एक डायमंड मिल जाता, लेकिन देखता हूँ क्या मिलेगा। ओ भाई यार 3 डायमंड रियली। और यहाँ पर मुझे कुछ आर्मर और कुछ ऑब्सिडियन भी मिल गई। फिर मैं जल्दी से चेस्ट तोड़ लेता हूँ और सारा सामान कलेक्ट कर लेता हूँ। और अब मैं बाहर जाके पहले आर्मर वगैरह लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करूँगा। ओ भाई वहाँ पर तो एक रुइन पोर्टल है। लिटरली गाइस ये पहला वर्ल्ड है जहाँ पर मेरी फूटी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया। तो फिर मैं सबसे पहले आर्मर वगैरह लगा लेता हूँ, क्योंकि बाई चांस मड़मुड़ा गए तो वापस रिस्पॉन नहीं हो पाऊँगा, इसलिए फुली प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। एंड मेरी किस्मत ने अभी भी मेरा साथ दिया तो मुझे इस चेस्ट के अंदर भी इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल जाएगा। चलो देखता हूँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिला, लेकिन अच्छी खासी लूट तो है। मुझे यहाँ से 8 गोल्डन एप्पल तो नहीं मिला, लेकिन 8 गोल्ड मिल गए और एक पिकेक्स मिल गया और कुछ फायर चार्ज वगैरह मिल गए, जो कि ठीक ही है। उई यार मैग्मा ब्लॉक ने डैमेज दे दिया। तो फिर मुझे यहाँ पर एक केव दिख गया, फिर इस केव के अंदर जाके मैं अपने लिए कुछ कोबल स्टोन वगैरह माइनिंग कर लेता हूँ, फिर मैं अपने स्टोन को मतलब अपने हथियार को कोबल स्टोन से अपग्रेड कर दूंगा। रियली यार ये गोल्ड का पिकैक्स इतनी जल्दी टूट गया। वैसे मैं काम करता हूँ, जब तक मेरे पास ये वुडन का पिकैक्स है इसे माइनिंग करते रहता हूँ, बाद में मैं नया पिकैक्स बना लूंगा। A few moments later
गोल्ड के पिकेक्स ने तो मुझे लात मार के धोखा दे दिया, लेकिन वुडन पिकेक्स ने मेरा बहुत साथ दिया है, अभी भी चल रहा है और ये फाइनली टूट गया। एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ और फिर अपने लिए कुछ हथियार वगैरह बना लेता हूँ स्टोन के, एंड मैं तुम लोग को अपनी प्रोगिरी भी दिखाता हूँ जल्दी से। अभी देखना, मैं यहाँ पर ब्लॉक लगा कर ऊपर जाऊँगा जो कि लगभग इजी है। कुछ भी तो फिर अभी मैं अपने लिए कुछ हथियार वगैरह बना लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने लिए कुछ स्टिक बनाऊंगा, उसके बाद सबसे पहले तो मैं पिकैक्स बना लेता हूँ, फिर एक एक्स बना लेता हूँ और एक स्वॉर्ड भी बना लेता हूँ, और मुझे शवल चाहिए तो फिर शवल भी बना लेता हूँ, और यहाँ पर मेरा पूरा सेट कम्प्लीट हो चुका है। एक काम करता हूँ, मैं अपने लिए एक शील्ड बना लेता हूँ, बाई चांस अगर कोई ज़ॉम्बी ने मुझे मार दिया तो मैं तो लुढ़क गया। तो फिर अभी रात हो रही है तो फिर मैं जल्दी से सो जाता हूँ। रियली यार, मैं कितना ज़्यादा नल्ला हूँ, क्योंकि मुझे इस विलेजर के घर में सोना पड़ रहा है। मेरे पास 3 आयरन है तो फिर मैं इससे एक बकेट बना लेता हूँ, और मेरे पास काफ़ी सारा गोल्ड भी है, तो फिर मैं सोच रहा था कि मैं एक गोल्ड की लेगिंग्स और एक गोल्ड का बूट भी बना लूँ और फिर मेरा आर्मर कम्प्लीट हो जाएगा। तो फिर गाइस, मैंने बनाने की सोची नहीं, मैंने बना भी दिया, और रियली गोल्ड और आयरन का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फिर गाइस यार, अभी मैं अपने लिए एक प्यार सा घर बनाऊंगा, जिसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब ये वुड चाहिए, तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा वुड तोड़ लेता हूँ, और फिर वुड तोड़ने के बाद मैं जाऊँगा ब्रिक तोड़ने, यानी कि स्टोन तोड़ने, क्योंकि मैं अपने घर में स्टोन ब्रिक भी लगाऊंगा जस्ट लाइक टेक्नो गेमर का कास्टल, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। फिर मैंने उसके बाद तोड़ा काफ़ी ज़्यादा वुड, क्योंकि मुझे बनाना था अपने लिए काफ़ी अच्छा घर, घर चाहिए था मुझको, इसलिए मैंने तोड़ा वुड। फिर मैंने बनाया एक एक्स। ओके सो गाइस, यहाँ पर मुझे एक प्यारा सा डॉगी मिला है, लेकिन मैं इस डॉगी को टेम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बोन नहीं है। वैसे डॉगी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, अगर मेरे पास बोन होता तो फिर मैं इसे ज़रूर टेम करता, लेकिन डॉगी मैं तुझे टेम नहीं कर पाऊँगा अभी। तो फिर मैं काम करता हूँ, मैं इसे पानी ले लेता हूँ और मैं ये वाला वुड भी तोड़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर बनाने के लिए बहुत सारा वुड चाहिए। A few moments later. तो फिर गाइस यार, मैंने अपने लिए काफ़ी ज़्यादा वुड तोड़ लिया, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो फिलहाल तो मैं अपने लिए कुछ चारकोल बना लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं केव में जाऊँगा, मतलब केव में एक माइनिंग के लिए एक टनल बनाऊँगा, जहाँ से मुझे बाई चांस डायमंड भी मिल सकता है और वहीं से मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टोन मिल जाएगा। तो फिर मैं अभी जल्दी से सो जाता हूँ, रात होने वाला है। मैंने अपने वुड को चारकोल बनाकर मेरा वुड वेस्ट हो गया, क्योंकि मुझे तो यहीं पर कोल मिल गया है इसी घर के पीछे, अगर मैं पहले देख लेता तो फिर मेरा वुड वेस्ट नहीं होता। लेकिन अभी छोड़ो, मैं जल्दी से माइन कर लेता हूँ, जितना ज़्यादा कोल होगा मेरे लिए फ़ायदा होगा यार। गाइस, तो फिर मैं फार्म की तलाश में इस विलेज में आया था ताकि मुझे कुछ खाना मिल जाए, लेकिन इस विलेज के अंदर एक भी फार्म नहीं है। लगता है मेरी फूटी किस्मत है, अभी तक भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो फिर गाइस, मेरा चारकोल वगैरह रेडी हो चुका है, एंड अभी मैं केव में जाऊँगा, मतलब स्टोन की माइनिंग के लिए जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना फर्नेस छुटा लेता हूँ और अपना कीमती सामान इस चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। लेकिन वेट, अगर मैं मर गया तो फिर मैं तो जिंदा ही नहीं पाऊंगा, तो फिर कीमती सामान इधर रखने का क्या फ़ायदा। खैर छोड़ो, तो फिर मैं नीचे के लिए माइनिंग कर रहा था और मुझे यहीं पर लैपिस मिल गया। मैंने अभी भी माइनिंग करना शुरू किया था और मुझे इतनी जल्दी लैपिस मिल गया, ये माइन तो मेरे लिए लकी होगा शायद। फिर मुझे काफ़ी सारा कोल मिला था, तो फिर मैंने सारा कोल कलेक्ट कर लिया और मैं वाई कोऑर्डिनेट 11 पर आकर वहाँ पर एक रूम बनाने लग गया, और अभी मेरा रूम कंप्लीट हो गया। तो फिर जल्दी से मैं यहाँ पर अपना क्लासिंग टेबल रख देता हूँ और साइड में मैं कुछ फर्नेस वगैरह भी रख देता हूँ, और मैं पहले 2 चेस्ट बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं स्टोन मतलब स्टोन स्मेल्ट करके यहीं पर रखूँगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने लिए कुछ फर्नेस वगैरह लगा देता हूँ यहाँ पर, और मैं इनके अंदर स्टोन डालकर कोल भी डाल देता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर सारा कीमती और सारा बेकार सामान रख दिया, और अब मैं जल्दी से माइनिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे और स्टोन चाहिए घर बनाने के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे सोना मिल गया था, लेकिन मैंने सोना को माइन नहीं किया क्योंकि मेरे पास आयरन का पिकैक्स नहीं था, मुझे पहले आयरन का पिकैक्स बनाना था। फिर मुझे एक जगह पर आयरन तो मिल गया था, लेकिन उधर पर पानी था, तो फिर मेरा सबसे पहला टास्क था कि मुझे उस पानी को बंद करना था, फिर मुझे आयरन माइन करना था। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद सारा पानी बंद कर दिया और मैंने सारा आयरन माइन कर लिया, और मैं मरते मरते बचा। फिर आयरन और स्टोन को स्मेल्ट करने के रखने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए एफके चला गया, ताकि मेरा सारा आयरन और सारा स्टोन जल्दी से स्मेल्ट हो जाए। 2000 years later. ओके, तो अभी मैं अपनी सारी चीज़ें लेकर ऊपर आ चुका हूँ, और अब मैं देखने वाला कि मैं अपना घर किधर बनाऊँ। तो फिर जल्दी से मैं इधर से भिजअप करता हूँ, और अभी इधर देखूँगा कि मैं अपना घर किधर बनाऊँ।
आई थिंक सो, मुझे वो घर उधर बनाना चाहिए। तो फिर अब मैं जल्दी से इधर से MLG करता हूँ। और वेट, MLG तो कर दे, लेकिन ये मुझे फिर से तोड़ना पड़ेगा। ओके सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी तो, एंड ना ज़्यादा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, नहीं लगी तब भी कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। एंड मुझसे बातें करना है तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर है, वो ज्वाइन कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड या मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।